आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। तो ये डायलॉग हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, मगर इस डायलॉग की अहमियत का हमें 5 साल पहले मालूम हुआ जब हमारी अम्मी हमें छोड़ के चली गई और वो एक काफी लंबी बीमारी के बाद उनको हेपेटाइटिस हुआ था और वो काफी लंबी बीमारी 10 से 12 साल वो बीमार रही और वो बेचारी लड़ते लड़ते आखिर में वो जंग हार के मार्च 2016 में हम लोगों को छोड़ के चली गई। तो वो लोग समझ सकते होंगे जिनकी माँ छोड़ के जा चुकी है, और मेरे हिसाब से वो लोग इस दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हैं जिनकी माँ बाप दोनों हयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर तो हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। तो यार आप लोग अपने माँ बाप की कदर करो, जिंदगी में ही मरने के बाद तो सब लोग ही याद करते हैं, मगर मैं समझता हूँ वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं जो लोग अपने माँ बाप की कदर जिंदगी में करते हैं। सो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब आपकी माँ या बाप में से कोई छोड़ के जाता है तो वो वक्त आपके लिए बहुत ही इमोशनल होता है और उस टाइम को सर्वाइव करना यानी पास करना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। बट ये है कि लाइफ गोज ऑन और अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसा है फ्लेक्सिबल कि जो है वो हर तरह की सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज है इतवार का दिन, तो आज हम लोगों के लिए काफी खास दिन है क्योंकि आज हम लोग अम्मी, हमारी जो मेरी सास है और अशर की जो अम्मी है उनकी 5वीं बरसी है आज। उनके 5 साल पहले यानी कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया में डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है वो हम लोग हमेशा हर साल उनकी बरसी मनाते आए हैं। अराउंड 10th मार्च को उनकी जो है वो बरसी आती है, तो हम लोग इस टाइम के अराउंड जरूर करते हैं। तो आज हम लोग अपने भाई के घर जा रहे हैं, इस वक्त प्लान यही है। अशर का शर प्लान बता दें। तो नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे घर कुरान खानी हो जाती है और हम लोग घर घर में ही कुरान खानी करना मुनासिब समझते हैं। बाकी हम जो है वो क्योंकि इसाले सवाब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप जो घर वाले होते हैं मेनली वही कुरान पढ़ के और अपने जो भी जिनका इंतकाल हुआ होता है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। तो आज हम लोग जो है वो जाएंगे अपने भाई के यहाँ, उसके बाद फिर उसके घर से वहाँ कब्रिस्तान करीब है और फिर आपको बताऊंगा कि कब्रिस्तान वहाँ यहाँ पे किस तरह होते हैं और कितने साफ सुथरे होते हैं। और जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कब्रों पे यानी कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो यहाँ पे टोटल कितने पैसे खर्च होते हैं। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज दुआ कर लीजिएगा हमारी सास के लिए, मेरी सास के लिए, और बहुत ज्यादा उनको दुआओं में याद रखिएगा। गाइस ये चप्पल देख रहे हो, मैंने ये स्पेशली जे डॉट से बनवाई थी यानी खरीदी थी। ऑस्ट्रेलिया वाले जो जे डॉट है मैंने वहां से ली थी और वो ऑलमोस्ट $60 की ली थी। पाकिस्तान में भी ये चप्पल मिल रही थी आई थिंक 3-4 हजार रुपए की, मगर यहाँ पे मैंने $60 की ली थी क्योंकि आपको साइज भी तो चेक करना पड़ता है ना आपको चप्पल लेने से पहले। सो कमेंट में बताना कैसी लग रही है। तो किसी भी सफर को शुरू करने से पहले सफर की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही पढ़ो। आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहां एक दिन मुझे, आपको, हम सबको जाना है। होप यू लाइक माई शलवार कमीज। और ये मेरे सास ससुर ने दिया था तो थैंक यू वेरी मच उनका। और जब वो लास्ट ईयर पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे बिफोर कोविड तो वो लेकर आए थे मेरे लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए एलडी क्योंकि हमें एलडी से लेने थे फूल और हमने अगरबत्तियां तो पहले ले ली थी,
मगर फूल नहीं लिए थे तो अब हम फूल लेने के लिए आए हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान यहाँ से। एलडी हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि एलडी में फ्रेश फ्लावर हर टाइम पे मिल जाते हैं और ये $10 से $12 आपको कॉस्ट करते हैं। दूसरी जगहों पे यही फ्लावर्स $20 से $25 के भी मिलते हैं, शायद आपके लोकल एरिया में कुछ सस्ते होंगे, बट 2020 में यही फ्लावर्स $6 के मिला करते थे। मेरी अम्मी का जो कब्रिस्तान है जहाँ पे उनकी कब्र है वो है मार्सडन पार्क में, और वो अगर आप सिडनी से लगाओ तो ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स है, यानी एक घंटे की ड्राइव पर है, और अगर हमारे घरों से लगाओ लिटकम वगैरह से तो आधा पौन घंटा यानी 40 मिनट to 45 मिनट लगते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे ये होता है आपको कि अगर जितना कब्रिस्तान यानी दूर होगा यानी शहर से थोड़ा बाहर होगा तो आपको पैसे थोड़े कम लगते हैं उसी हिसाब से, यानी अगर डिपेंड करता है कि 5,000 से 10,000 यहाँ पे लगते हैं तो फ्यूनरल के खर्चे में टोटल, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सर्विसेज दें। सो पाकिस्तान में आप लोगों को याद होगा जैसे ही हम लोग जाते थे वहाँ पे तो बच्चे आ जाते थे और जो है वो कहते थे कि यार कि अगर आपको पानी वगैरह चाहिए तो हम जो है वो भर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। आयन पकड़ो इसको, पकड़ो, हाँ ये पकड़ो, शाबाश। और अभी देखें आयन जो है वो पानी भर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग खुद ही लेके जाएंगे। यहाँ पे वो इस तरह नहीं होता कि 10-10 रुपये लेके और बच्चे जो है वो बेचारे वो पाकिस्तान में ऐसा कर लेते हैं। सो गाइज हर किसी की दुआ करने का अलग अलग स्टाइल होता है, तो किसी के भी स्टाइल पे जजमेंटल मत होना। और दूसरी बात ये कि कोशिश करो कि कब्रों की बेहुरमती मत किया करो, अगर जो है वो कब्रिस्तान जाओ तो कब्रों के ऊपर से मत जाओ, साइडों साइडों से जो पाथवेज बने हुए होते हैं उसके ऊपर से जाने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। और ये मेरे अब्बू हैं, आप लोग काफ़ी दफ़ा हमारी वीडियोस में इनको देख ही चुके होंगे, तो जब भी हमारा कब्रिस्तान आना होता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बेचारे मेरी अम्मी को बहुत याद करते हैं। और यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं, आई थिंक 200-300 साल पुरानी कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इट्स प्रीटी ओल्ड कब्रिस्तान। कब की कब्रें? 1937 पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान 1947 में बना और ये 1937, बताओ इतने पुराने लोग यहाँ पे दफन है बेचारे। ये क्रिश्चियन सेक्शन है और इधर जो है वो सारा मुस्लिम सेक्शन है। पढ़ ली दुआ सबने, बातें हो गई, चले। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक प्लेसेस पर हर जगह टॉयलेट्स का इंतजाम किया जाता है, और देखो यहाँ कब्रिस्तान में भी टॉयलेट्स हैं और काफी क्लीन है। यह है रोटी हिल मस्जिद जो कि सिडनी में सबसे पुरानी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्जिद है। गाइज़ हम लोग कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे और असर का नमाज का टाइम था, और हमने सोचा कि यार चलो रूटीन की मस्जिद है जहाँ पे मेरी अम्मी की नमाज जनाजा हुई थी तो वहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हुए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग अभी नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस। हाँ क्या कर रहे थे? हाँ जी, कितने सिपारे पड़े? कितने सिपारे पड़े? दो पड़े। गुड, कौन कौन से पड़े?
यार छठा और आठवां। तो इसी तरीके से हम लोगों का वीकेंड आज तमाम हुआ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।